गुड इवनिंग बच्चों, मैं डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा, उपभाषा और उसकी बोलियां। भाषा हमारे विचारों के संप्रेषण का माध्यम होती है, ठीक है। और ये जो भाषा है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बोली के रूप में होती है। यानी बोली किसे कहते हैं हम? बोली जो किसी सीमित क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसे हम बोली कहते हैं। इसमें किसी प्रकार के साहित्य की रचना भी हमें नहीं मिलती है, यानी एक सामान्य व्यवहार की भाषा होती है। जब यही भाषा, यही बोली जो है सीमित क्षेत्र से ऊपर उठ जाती है, यानी कई क्षेत्रों में बोली जाने लगती है, तब यह उपभाषा का रूप धारण कर लेती है, यानी उपभाषा बन जाती है। उपभाषा को हम विभाषा, प्रांतीय भाषा भी कहते हैं। और कभी कभी कुछ राज्यों के माध्यम से अपने जो सरकारी काम होते हैं उसमें भी इस उपभाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे राजकीय भाषा भी कहा जाता है या राज्य की भाषा भी कहा जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी विभिन्न जो उपभाषाएं हैं उनका जन्म हो जाता है, लेकिन इन्हीं उपभाषाओं में से कभी कभी एक कोई भाषा जो कि मानक रूप धारण कर लेती है, यानी एक आदर्श भाषा के रूप में उन्नत हो जाती है। एक मानक भाषा हम किसे कहते हैं? जिसका व्याकरण परिमार्जित और परिनिष्ठित होता है, उसमें शिक्षा कार्य, राजकीय प्रयोजन, साहित्य लेखन, पत्राचार आदि ऐसे बहुत सारे काम होने लगते हैं, तब यह भाषा जो है अपनी समुन्नत स्थिति में आ जाती है, ठीक है। तो ये भाषा का रूप है हिंदी भाषा, जिसे हम भारत देश में राजभाषा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो राजभाषा के सम्मान से जब ये अर्जित है, यानी राजभाषा का सम्मान इसे प्राप्त है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति चूंकि संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हम भारतीय आर्य भाषाओं को काल विभाजन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यानी भारतीय आर्य भाषाओं का हमने तीन कालों में विभाजन किया, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, ठीक है। प्राचीन काल का जो समय है वह हमें 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में मिलता है। इस समय हमें संस्कृत भाषा मिलती है, यानी इस समय संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार था और संस्कृत के दो रूप मिलते हैं जो कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है, ठीक है। इसमें साहित्य की रचना की जा रही थी, यानी जो वेद लिखे गए हैं हमारे, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ सभी जो है संस्कृत में लिखे जा रहे थे। यही संस्कृत भाषा धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मध्यकाल में कुछ क्षेत्रीय बोलियों का विकास हो गया, यानी जैसे जैसे सभ्यता जो है आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि भाषा भी परिवर्तनशील होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने उच्चारण के जो तरीके हैं उसके अनुसार कुछ परिवर्तन धीरे धीरे भाषा में भी हो जाता है। तो मध्यकाल में कुछ देश भाषाओं का जन्म हो गया, ठीक है, कुछ क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो गई। संस्कृत में इन देश भाषाओं को प्राकृत की संज्ञा दी गई, ठीक है। यानी प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति, मूल रूप, यानी जनता के द्वारा जो मूल रूप में बोली जा रही थी भाषा उसे ही प्राकृत कहा गया। तो प्राकृत जो बोलियां उस समय थी उनमें सबसे पहले बोली हमें मिलती है पाली, ठीक है। पाली का जो समय हमें मिलता है वह है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, ठीक है। तो पहली ईस्वी तक में जो पाली जो भाषा जन्म ले रही थी उसमें जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपने जो शिक्षा का माध्यम बनाया, यानी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया वह पाली भाषा में किया। और पाली की प्रामाणिकता को हम अशोक के शिलालेख में भी देख पाते हैं, ठीक है। और पाली को
हम भारत देश की प्रथम देश भाषा की भी संज्ञा देते हैं, यानी पाली जो है वो प्रथम देश भाषा है, ठीक है, प्रथम देश भाषा है पाली। पाली भाषा से उसका जो परिवर्तन हो गया, यानी भाषा का रूप थोड़ा परिवर्तित होता गया, तब कुछ और क्षेत्रीय बोलियों का विकास हुआ जिसे हम प्राकृत नाम देते हैं, ठीक है, उस समय प्राकृत का नाम दिया गया, और जिसमें सौर सेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, व्रात्य प्राकृत, व्राचट प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, खस प्राकृत और अवंती प्राकृत, ठीक है, इस प्रकार की विभिन्न प्राकृतों का जन्म हो गया, जिसका जो समय है प्राकृत का वो हमें पहली ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक के बीच में मिलता है, ठीक है। इस प्राकृत के अगर प्रामाणिकता को हम देखें तो हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी प्राकृत भाषा के विषय में मिलता है कि उन्होंने भी चर्चा की है। इसके अतिरिक्त वररुचि जो व्याकरण ग्रंथकार हैं उन्होंने अपने प्राकृता भाष में भी बताया है बहुत सारे प्राकृतों के बारे में, ठीक है। तो ये सारे जो व्याकरण ग्रंथ हैं या नाट्य शास्त्र हैं इनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि उस समय कुछ क्षेत्रीय बोलियों का विकास हो रहा था, और इन्हीं प्राकृतों से आगे चल करके यानी 1000 ईस्वी तक के आसपास, यानी 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है, ठीक है। तो अपभ्रंश भाषा के लिए हम कह सकते हैं कि ये बिगड़ी हुई भाषा थी, ऐसा कहा जाता है कि यह एक अपभ्रष्ट भाषा है या बिगड़ा हुआ भाषा का रूप है। तो इसके संबंध में भाषाविद ऐसा मानते थे कि यह भारतीय आर्य भाषा की मध्यकालीन भाषा की अंतिम अवस्था है, ठीक है, अपभ्रंश को अंतिम अवस्था मानते हैं, और प्राकृत और आधुनिक कालीन भाषा के बीच की कड़ी मानते हैं, ठीक है। और अपभ्रंश के विषय में हम ये कह सकते हैं कि जैसे इस भाषा का जन्म हुआ तो इसमें भी इन्हीं प्राकृतों से विभिन्न अपभ्रंशों का जन्म हुआ। हेमचंद्र के शब्दानुशासन जो व्याकरण ग्रंथ हैं उसके माध्यम से हमें इस अपभ्रंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसी अपभ्रंश का रूप बढ़ते बढ़ते अवहट्ट भाषा में भी साहित्य की रचना की जा रही थी, यानी अपभ्रंश का ही एक रूप है अवहट्ट, ठीक है, जिसमें कि साहित्य की रचना की जा रही थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपभ्रंश का रूप परिवर्तित होते होते हिंदी भाषा का जन्म हुआ, यानी आज की जो खड़ी बोली हम बोल रहे हैं वो हिंदी भाषा का जो जन्म है वह इसी अपभ्रंश और अवहट्ट से हुआ है, ठीक है। जो भाषाविद हैं यानी भाषा वैज्ञानिक हैं भोलानाथ तिवारी, उनका ये मानना था कि विभिन्न प्राकृतों से कई अपभ्रंशों का जन्म हुआ, ठीक है, तो उन्होंने 7 अपभ्रंश माने हैं, ठीक है। 7 अपभ्रंशों में उन्होंने माना है सौर सेनी अपभ्रंश, जिससे बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ, ठीक है, सौर सेनी अपभ्रंश, पैसाची, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, व्राचल अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इन अपभ्रंशों से बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे कि सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा का जन्म हुआ, पैसाची से पंजाबी और लहंदा भाषा का जन्म हुआ, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ, मागधी से बिहारी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषा का जन्म हुआ, खस से पहाड़ी भाषा का जन्म हुआ, व्राचट से सिंधी भाषा का जन्म हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र से मराठी भाषा का जन्म हुआ। इन्हीं जो अपभ्रंश हैं इनसे जो भाषाओं का जो जन्म हुआ उनसे ही हिंदी की उपभाषाएं जन्म लेती हैं, यानी हिंदी की 5 उपभाषाओं का जन्म होता है। अगर हम देखें तो वास्तव में हिंदी का जो उद्भव है वो सौर सेनी अपभ्रंश,
अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये तीन अपभ्रंशों से ही वास्तव में हिंदी हमें दिखाई देती है कि हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो इन्हीं जो अपभ्रंश हैं इनसे हिंदी की पांच उपभाषाओं का जन्म हुआ है। ठीक है, और इन्हीं उपभाषाओं से बहुत सारी बोलियों का जन्म हुआ है। बोलियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी बोलियां इसमें आई हैं। यानी कि हमने देखा कि हिंदी की पांच उपभाषाओं का जन्म हुआ है। ठीक है, इन जो अपभ्रंश हैं यानी सौरसेनी अपभ्रंश जिससे कि पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है, यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा है। सौरसेनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी हिंदी का जन्म होता है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म होता है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म होता है। और इन्हीं उपभाषाओं से विभिन्न बोलियों का विकास होता है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी से सबसे पहले कौरवी बोली का विकास हम देख पाते हैं। कौरवी कुरु जनपद के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती रही है, इसी कारण इसका नाम कौरवी पड़ा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसे खड़ी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली सर हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम खड़ी बोली और सर हिंदी भी कहते हैं और हिंदुस्तानी भी कहते हैं, यानी इस कौरवी बोली के ही ये नाम है। ललूलाल ने प्रेम सागर की भूमिका में 1803 ईस्वी में इसी कौरवी बोली को खड़ी बोली का नाम दिया। ठीक है, कौरवी बोली को ही खड़ी बोली का नाम दिया। और यह खड़ी बोली जो है, चूंकि ब्रज भाषा की तुलना में थोड़ी खड़ी खड़ी लिखी जाती है, थोड़ी कर्कश है इसका जो उच्चारण है, यही कारण है कि इसका नाम जो है वो खड़ी बोली पड़ा। खड़ी बोली जो कि आज हमारी जो राजभाषा है वह खड़ी बोली ही हिंदी ही है। ठीक है, और इसका जो व्याकरण है वह भी बहुत ही उन्नत है, यानी परिमार्जित और परिनिष्ठित है। इसमें बहुत से साहित्य की भी रचना होती है। खड़ी बोली हिंदी का जो क्षेत्र है वह लगभग भारत देश के बहुत सारे प्रांतों में यह बोली जाती है, यानी बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। दिल्ली के उत्तर में और उत्तर पूर्व में, इसके अतिरिक्त रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर आदि बहुत सारे क्षेत्रों में हमें कौरवी बोली बोलते हुए लोग पाए जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा जिसे हम अंतर्वेदी भी कहते हैं, जिसे हम अंतर्वेदी भी कहते हैं। अंतर्वेदी भी कहा जाता है इसे। और ब्रज का जैसे कि अर्थ है गौ स्थल, यानी जहां गाय रहती हैं, तो ब्रज भाषा इसी के नाम पर पड़ा। ब्रज भाषा का साहित्य भी बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि जैसा कि हम हिंदी साहित्य का जब भक्तिकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो कि ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखी हैं। सूरदास इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सूरदास जो है ब्रज भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वह मथुरा और आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, इस तरह के जो क्षेत्र हैं इस सब जगहों पर यह बोली जाती है। ब्रज भाषा के संबंध में एक और बात कही जाती है कि यह ओकार बहुला है, यानी इसकी यह विशेषता है कि इसके जो शब्द हैं वो ओकार उच्चारण के अधिक मिलेंगे। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की तीसरी बोली है बुंदेली, या संभवतः जो बुंदेला राजपूत थे उनके ही नाम पर यह बुंदेली बोली पड़ी। बुंदेली बोली जो है
वह हमें उत्तर प्रदेश के जो झांसी का एरिया है और बुंदेलखंड और जालौन, उरई, हमीरपुर, बांदा, इन क्षेत्रों में तो मिलता ही है। इसके अतिरिक्त हमें मध्य प्रदेश का भी बहुत सारा क्षेत्र है, यानी दतिया, चरखारी, इंदौर, इस तरह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बुंदेली बोली बोली जाती है और बुंदेली में हमें लोक साहित्य मिलता है और इसुरी के जो फाग हैं इसके ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बुंदेली बोली की विशेषता है। पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली है कन्नौजी, जो कि कान्यकुज जो जनपद है उस क्षेत्र में बोली जाती रही है, जिसके कारण इसका नाम कन्नौजी पड़ गया। ठीक है, कन्नौजी बोली का जो बोली का क्षेत्र है वो कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में बोला जाता है और इसमें साहित्य की रचना का अभाव है। पश्चिमी हिंदी की जो पांचवी बोली है वह है हरियाणवी, जिसे हम जाटू भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम जाटू भी कहते हैं और बांगरू भी बोलते हैं। बांगरू यानी बांगर का जो अर्थ है, बांगर का अर्थ होता है रूखा यानी शुष्क। तो हरियाणवी की जो बोली है वो थोड़ी शुष्क है, यानी थोड़ा सा रूखापन है उसमें। और इस बोली का जो क्षेत्र है वह हरियाणा का जो आसपास का जो पूरा एरिया है वह हमारा बोला जाता है यहाँ पर हरियाणा के क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त दिल्ली का भी जो क्षेत्र है वहां पर भी आसपास के एरिया में जो है वह बोला जाता है। तो ये हो गया हरियाणवी, जिसे हम जाटू और बांगरू भी कहते हैं। ठीक है, इन सभी जो बोलियां हैं, इन सभी बोलियों का जो जन्म है वह सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये नहीं भूलना है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं सबका विकास सौर सेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर है सौर सेनी अपभ्रंश से ही दूसरी बोली है, दूसरी भाषा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की जो पहली बोली हमें मिलती है जयपुरी, यानी इससे जयपुरी बोली का विकास हुआ है, जिसका प्राचीन नाम है ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी इसका प्राचीन नाम है। राजस्थानी बोली की जो जितनी भी बोलियां हैं वह साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राजस्थानी साहित्य बहुत हमें मिलता है, यानी वह बहुत ही समृद्ध है। यानी सभी जो बोलियां हैं इनमें हमें साहित्यिक रूप जरूर मिलेगा। ठीक है, और जयपुरी जो बोली है इसका जो क्षेत्र है वह जयपुर के आसपास का पूरा जो एरिया है वह बोला जाता है जयपुरी, और अजमेर, किशनगढ़ आदि एरिया में भी हमें मिलेगा जयपुरी बोली। दूसरी बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो बोली है वह जोधपुर की जो रियासतें थीं उनके रियासतों में जो लोग थे उनके नाम पे संबद्ध या मारवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मारवाड़ क्षेत्र में रहते थे लोग और उन्हीं के नाम पर यह मारवाड़ी पड़ा, जो कि जोधपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में और साथ ही अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, अमरकोट, बीकानेर ऐसी सारी जगहों पे बोला जाता है। इसके अतिरिक्त यह हरियाणा में भी बोला जाता है। ठीक है, यानी मारवाड़ी जो है वो हरियाणा में भी बोला जाता है। तीसरी बोली है मेवाती, जो कि मेव प्रजाति के नाम पर इसका संभवतः नाम पड़ा मेवाती। और यह बोली भी जो है वह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली और करनाल के एरिया में बोला जाता है। इस जो मेवाती बोली है इसी का मिश्रित रूप है अहिरवाटी। ठीक है, अहिरवाटी भी इसीलिए इसको हम बोलते हैं, अहिरवाटी इसका मिश्रित रूप है, जो कि गुड़गांव, दिल्ली वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे इसका मिश्रित रूप बोला जाता है मेवाती का। राजस्थानी हिंदी की चौथी बोली है मालवी, जो कि उज्जैन प्रांत के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर यह बोला जाता है। इसके अतिरिक्त इंदौर, देवास, रतलाम आदि क्षेत्रों में भी हमें मेवाती बोली
का क्षेत्र मिलता है। मालवी बोली की जो विशेषता है वह यह है कि यह ब्रज भाषा के थोड़े से समीप दिखाई देती है। कुल मिलाकर के हमने देखा कि राजस्थानी हिंदी की चार बोलियां हैं जिसका साहित्य बहुत ही संपन्न है, सबसे बड़ी बात यही है, और इसका क्षेत्र जो है वह बहुत ही विकसित है। मानदीय ग्रंथ से तीसरी भाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से भोजपुरी बोली का जन्म होता है, यानी भोजपुरी बोली जो कि बहुत ही विकसित बोली है, यानी इसका क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक है। यह बिहार के जो मल्ल जनपद हैं उस मल्ल जनपद की जो राजधानी रही होगी प्राचीन समय में भोजपुर, उसके नाम पर हमें भोजपुरी इसका नाम संभवतः पड़ा है। और इस भोजपुरी का जो क्षेत्र है बोली का वह बिहार के छपरा और पटना गया आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ तो बोले ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बोले जाते हैं, जैसे गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में ये बोली जाती है। भोजपुरी बोली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने भारत देश में तो यह बोली ही जाती है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे देश हैं जहाँ पर यह बोली जाती है, जैसे मॉरिशस और वियतनाम, फिजी, इन देशों में भी इस भाषा का प्रचार प्रसार है, बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं। भोजपुरी जो बोली है इसकी एक विशेषता है कि इसमें जो मिश्रित स्वर हैं, जैसे हम खड़ी बोली में औ या आई बोलते हैं, ठीक है, ये मिश्रित स्वर है, लेकिन इसे ये अलग अलग करके बोलते हैं, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। आई अलग से बोलेंगे और औ अलग बोलेंगे, ये इसकी विशेषता है। और इसके अतिरिक्त जैसे कि ल और ल, ठीक है, ल ल और ल, इन दोनों का उच्चारण र के रूप में होता है। भोजपुरी बोली में इन दोनों का उच्चारण र के रूप में होता है। उदाहरण के रूप में हम जैसे कहें कि पीतल है, खड़ी बोली में हम पीतल बोलेंगे, लेकिन वहां पर भोजपुरी में इसी को पीतल बोलते हैं, ठीक है, पीतल बोलेंगे। ऐसे हम नारियल बोलते हैं खड़ी बोली में, लेकिन भोजपुरी में इसे नारियल की जगह नारियल बोलेंगे। तो इस तरह से हमें इसके रूप मिलते हैं भोजपुरी के। भोजपुरी में साहित्य की रचना भी बहुत मिली है और लोक साहित्य भी बहुत मिलता है। इसके अतिरिक्त तो फिल्म निर्माण भी भोजपुरी भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। बिहारी हिंदी की दूसरी बोली है मगही, जो कि मगध प्रांत की बोली है, ठीक है। मगध प्रांत में यह बोली बोली जाती है, जो कि बिहार क्षेत्र के पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर आदि क्षेत्रों में भी हमें मगही बोली बोलते हुए लोग भी पाए जाएंगे। तीसरी बोली है मैथिली, जो कि साहित्यिक रूप से अगर हम देखें तो मैथिली की साहित्य जो है वो बहुत ही समृद्ध है। मैथिली भाषा में बहुत सारे साहित्य की रचना की गई है और यह मिथिला प्रांत के आसपास का जो भी क्षेत्र है वहाँ यह बोली जाती है। मुजफ्फरपुर, पुणेया, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर, भरतपुर आदि सभी क्षेत्रों में हमें मैथिली बोली लोग बोलते हुए मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया बिहारी हिंदी की बोलियां। फिर है अर्धमालवी अपभ्रंश, जिससे कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, पूर्वी हिंदी की बोली भाषा मिलती है, और इस पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास होता है। अवधी जो कि अवध प्रांत की बोली है, और जैसा कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित, और जो चंदायन है मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखित, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, यानी अवधी जो भाषा है वह बहुत ही समृद्ध भाषा है, जो कि साहित्य में भी हमें मिलता है इसका रूप। यह अवध के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त ये लखनऊ और पीलीभीत
इस तरह के जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मिलती है अवधि बोली। बघेली बोली है, ये लगभग बघेल खंड की बोली है, और जो बघेली बोली है इसे अवधि की उप बोली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये बघेली अवधि की उप बोली के रूप में भी इसे हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ के जो आसपास का जो भी क्षेत्र है वहां पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी जो है वो अर्धमागधी के दक्षिणी रूप से इसका जन्म हुआ है। ठीक है, ये हम जान लेते हैं कि इसका जो जन्म है वह दक्षिणी रूप से हुआ है, अर्धमागधी के दक्षिणी रूप से छत्तीसगढ़ी बोली का हम जन्म, छत्तीसगढ़ी का जो जन्म है वह अर्धमागधी के दक्षिणी रूप से हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खस अपभ्रंश जिससे कि पहाड़ी हिंदी का विकास होता है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी का जो साहित्य है वह हमें नहीं मिलता है, यानी पहाड़ी हिंदी में साहित्य की रचना बहुत कम हुई है, लेकिन चूंकि बोली का क्षेत्र है यह, तो पश्चिमी पहाड़ी जो कि शिमला आदि के जो क्षेत्र हैं उस इलाके में यह बोली जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्वी पहाड़ी जो कि नेपाल आदि के जो क्षेत्र हैं वहां पर बोले जाते हैं, पर जो पहाड़ी हिंदी है उसका मध्य पहाड़ी एक रूप मिलता है पहाड़ी हिंदी का, ये थोड़ा सा ज्यादा संपन्न है, यानी ज्यादा लोगों के बीच में यह बोली जाती है। इसके हमें दो रूप मिलते हैं, कुमायुनी और गढ़वाली। ठीक है, कुमायुनी जो कि उत्तरांचल का जो भी एरिया है, जो भी क्षेत्र है वहां पे यह बोली जाती है। ठीक है, और गढ़वाली जो कि गढ़वाल या केदारखंड भी इसे हम कहते हैं, तो केदारखंड का जो क्षेत्र है वहां पर यह बोली जाती है। इसके अतिरिक्त जो टिहरी गढ़वाल जैसे हम कहते हैं, चमोली, ये सारे जो क्षेत्र हैं वहां पे ये बोली जाती है। यानी ये सभी जो बोलियां हैं वह इस उपभाषाओं से जन्म लेती हैं, और ये उपभाषाएं सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी हिंदी भी, मालवी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी भी, और अर्धमालवी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी इसका जन्म होता है। यानी अगर कभी ये प्रश्न आए कि ब्रजभाषा किसकी उपभाषा है, तो यह पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, या ब्रजभाषा का किस अपभ्रंश से जन्म हुआ है, ठीक है, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल एक पश्चिमी हिंदी ही हम समझें, यानी ये सारी बोलियां जो हैं सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।